जो तुम्हारे प्रारब्ध शरीर में सुख आया है जबरदस्ती भोगना पड़ेगा। जैसे दुख कोई नहीं चाहता, जबरदस्ती भोगना पड़ता है ना, ऐसे सुख भी भोगना पड़ेगा। इन दो के लिए तो प्रयास ही नहीं करना, सुख दुख के लिए। तो अब अगला बचा कौन? प्रभु, हम नाम जप करके मांगे, हे प्रभु आप मुझे दर्शन दे, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि आपका बच्चा हूँ, सुना है मैं आपका अंश हूँ, एक बार मैं आपको देखना चाहता हूँ। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान नाम जप कर रहे हैं हम, दुख को जड़ से मिटाने के लिए। हमारा गोदाम जमा है पापों का, संचित कर्मों का, जब आप प्रयोग नहीं करेंगे तो नाम वहां आग लगा देगा, वो भस्म हो जाएंगे, जो तुम्हें दुख देने वाले जो अभी तक पाप हुए वो भस्म हो जाएंगे, आगे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, आनंद मिल जाएगा। इसे अच्छे से समझा जाए तो हमें लगता है हमारी भक्ति और परिपक्व हो जाएगी। अगर हम उसको सांसारिक तरीके में लेंगे तो चार दिन बाद अश्रद्धा हो जाएगी। अच्छा, जीने की व्यवस्था की जिम्मेवारी भगवान की है, हर जीव की जीने की व्यवस्था की है, तो कर्तव्य कर्म करो, नाम को बचाओ प्रभु के लिए, और मेहनत करके कमाओ शरीर पोषण के लिए, जो दुख सुख आवे चुपचाप सह लो, नाम रूपी धन तुम्हारा जमा है, वो तुम्हारा मंगल अपने आप करेगा। संकल्प करो ना, दोनों का स्वामी जी मजाक क्यों करते हो, मच्छर मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं होगा, ये शरीर है अपना भोग भोग लेगा, अभी हम प्रभु के पास चले जाएंगे, इसके लिए हम भजन थोड़ी खर्चा करें। हमारे पास जो धन है वो जगत मंगल करने के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए, वही हम आपको बताना चाहते हैं। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर बारी, कोटि जन्म के अगत में काट करे उजियारी, करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके हृदय में प्रेम प्रकाश कर देता है वृंदावन का चिंतन, तो वास नहीं हो रहा तो चिंतन करें। यहां मृत्यु का नाम सुनकर भयभीत हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है मरने की। क्या तैयारी, कौन तैयारी कर रहा? मरने की कोई तैयारी नहीं कर रहा, सब जीने की तैयारी में लगे। आप सब इस बात को समझो कि आपका परम मंगल भगवान के नाम से होगा, आपको परम सुख, समस्त दुखों की निवृत्ति भगवान के नाम से।